नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थिएटर में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म के बारे में जिसका नाम है छत्रपति। इसके लीड रोल में आपको नजर में आएंगे बेलम कुंडा साई श्रीनिवास और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है वी विनायक। ये जो फिल्म है वो एस राजामौली जी की फिल्म छत्रपति का ऑफिशियल रीमेक है, जहाँ पे प्रभास लीड रोल में नजर में आए थे। अब इस फिल्म को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊँ तो दोस्तों, ये फिल्म किसी टॉर्चर से कम नहीं थी। मैंने ये फिल्म को इंटरवल में ही छोड़ दिया, मतलब मैं थिएटर से जिंदा वापस लौट के आया हूँ, यही मैं परमात्मा की कृपा समझता हूँ। इतनी वाहियात ये मूवी बनाई है। शुरुआत के 20 मिनट ये मूवी देख लोगे ना, आप वहीं पे ढेर हो जाओगे। इतनी घटिया एक्टिंग शुरुआत के 20 मिनट में ही दिखा दी है। पता नहीं क्या चल रहा था पूरी मूवी में। जो ओरिजिनल मूवी थी ना एसएस राजामौली की, पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया। एसएस राजामौली जो प्रेजेंट करना चाहते थे लोगों के सामने, कुछ अलग ही बना के रख दिया। ओरिजिनल मूवी में एक बेटा अपनी माँ के लिए कितना तड़पता है, उनका प्यार, वो सब कुछ दिखाया था। उसके भाई सौतेला होता है फिर भी उसके साथ गलत चीज़ें करता है, फिर भी जो भाई है वो उसके तरफ कुछ भी आज तक नहीं आने देता। वो लोगों की रक्षा करता है, लोगों के लिए खड़ा होता है, इसीलिए उसको छत्रपति कहा जाता है। लेकिन ये फिल्म में क्या हो रहा है, आइटम डांस हो रहा है। कुछ भी कहा से ही वो लोग लोगों को मार रहा है। अरे बाप रे बाप, अनबेरेबल ये मूवी थी। मतलब यार इतनी घटिया एक्टिंग मैंने किसी भी मूवी में नहीं देखी। बेलम कुंडा साई श्रीनिवास के भले ही यूट्यूब पे 400 मिलियन 500 मिलियन 700 मिलियन व्यूज़ आ जाते हों, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टिंग के बादशाह हो गए। उनकी आज तक शायद तक एक ही फिल्म चली है मुझे जहाँ तक पता है, उनको साउथ का अर्जुन कपूर बोला जाता है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल ही सही, आप इस मूवी में बेलम कुंडा जी की एक्टिंग देखा, अरे इतनी घटिया एक्टिंग की है भाई। प्रभास ने जो ओरिजिनल फिल्म में की थी ना, उसका 1% भी आपको इसमें दिख जाए ना तो नाम बदल दीजिएगा, इतनी घटिया एक्टिंग उन्होंने की है। अरे इमोशनल सीन पे कुछ इमोशन तो क्रिएट हो, कुछ ऐसी रोने वाली भावना तो होनी चाहिए ना यार। पूरी मूवी क्या चल रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वी विनायक ने डायरेक्शन बाप पे हक दिया है, इतना खराब डायरेक्शन, इतना पथेंटिक डायरेक्शन किसी भी मूवी में नहीं देखा। आप रेस 3, ट्यूबलाइट ये सब छोड़ो भाई, इससे घटिया फिल्म नहीं हो सकती। इस मूवी को तो बार बार देखने का भी मन ना हो। अब एसएस राजामौली ने उस समय करके दिखा दिया था जो कोई डायरेक्टर नहीं कर पाता था। उस समय का आप इमोशन देखना हो, बैकग्राउंड म्यूजिक देखना यार, उस मूवी का संस्कृत में पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। और इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक आप देखना, इतना ढीला टच, कुछ फील ही नहीं हो पाता। गुजराती में बात कर रहे हैं, उनके डायलॉग्स आप देखना इतने वाहियात। ये मूवी सच में मजाक है, एस राजामौली का मजाक बना के रख दिया, उनकी मूवी का मजाक बना के रख दिया। प्रभास को तो 1% ट्रिब्यूट भी नहीं दे पाए। कुछ होता है ना कि यार, कुछ आज के ज़माने में हम मूवी बना के उनको ट्रिब्यूट देते हैं, ये मूवी लांछन लगा रही थी, इतनी घटिया ये मूवी है। अगर आप ये मूवी देखोगे जिंदा वापस नहीं आ पाओगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और भाई मैं तो भाई अब पक गया हूँ बेलम साई श्रीनिवास से, इतनी घटिया मूवी मैंने तो नहीं देखी भाई। मेरी ओरिजिनल छत्रपति मूवी का उन्होंने मजाक बना के रख दिया, मैं तो वापस जाके ओरिजिनल मूवी देखूंगा और उसको एक्सपीरियंस करूंगा। आपने अगर ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, अगर आज के समय में भी आप ओरिजिनल मूवी देखोगे तो आंखों में से आंसू आ जाएंगे। और इस मूवी को देख के भी आंखों में से आंसू आएंगे, लेकिन जहर के, कि मैंने क्यों देखी। मैं इस मूवी को दूंगा 0 out of 10 स्टार्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, जय श्री राम।